हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कराची बोर्ड क्लास मैट्रिक एसएससी पार्ट टू केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का जो आपका मॉडल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। पेपर हमारे सामने है, पेपर पैटर्न भी आपको पता है। तीन सेक्शन है, सेक्शन ए एमसीक्यूज का है, 12 मार्क्स का है। ठीक है, 12 एमसीक्यूज होंगे। सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है, जो कि आपका 24 मार्क्स का है, और इसके अंदर 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और टोटल 12 गिवन होंगे। और तीसरा सेक्शन जो है वो भी 24 मार्क्स का है, 40% है, जिसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं। इस वक्त हम सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, नरेट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्राटोस्फेयर। यहाँ पे मैंने 6 दे दी हैं, इसमें से कोई 3 जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है वो हमारा सी लेवल से अपर डायरेक्शन में जाए तो पहला पहली लेयर है, जबकि स्ट्राटोस्फेयर उसके ऊपर की लेयर है। अगर हम साइज की बात करें तो ये सी लेवल से 11 किलोमीटर अप अबव द सी लेवल है। ठीक है, और अगर स्ट्राटोस्फेयर की बात करें तो वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर से अगर हम काउंट करें तकरीबन 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस से -55-56 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। और अगर हम स्ट्राटोस्फेयर की बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, -55 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। अगर हम तीसरी का कंपैरिजन करें तो तीसरा जो है, हमें पता है कि ट्रॉपोस्फीयर जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिलती है। वाटर वेपर होता है, क्लाउड है, डस्ट पार्टिकल है, और मुख्तलिफ तरह की गैसेस है, वो सारी यहाँ पर ही होती है। अगर अब हम स्ट्राटोस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे डस्ट क्लाउड ये जो है ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम लिविंग की बात करें, अपनी बात करें ह्यूमन बींग के, तो हम ट्रॉपोस्फेयर में, और अगर हम स्ट्राटोस्फेयर की बात करें तो आमतौर पर नॉर्मली हम वहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर अपर डायरेक्शन में एरोप्लेन वगैरह से अगर हम जाए तो हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपोस्फेयर की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे ओजोन लेयर जो है वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटी से पॉल्यूट होती रहती है, और स्ट्राटोस्फेयर में जो है ओजोन की पूरी लेयर है जो कि शील्ड की सूरत में है, और अल्ट्रा वायलट रेज जो सन से आती है उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अगर ट्रॉपोस्फेयर पे कंपोजिशन की बात करें तो ह्यूमिडिटी वेरी करती है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सारी की सारी ट्रॉपोस्फेयर पे होती है। अगर स्ट्राटोस्फेयर की बात करें तो ये ऐसा ऐसा ह्यूमिडिटी भी कम होती चल जाती है, और डिफरेंट गैसेस का रेशियो भी या कंपोजिशन भी ऐसा ऐसा कम हो जाता है। तो इसमें से आप कोई से भी 3 देख लें, ईजी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, राइट डाउन केमिकल कांस्टेंट एक्सप्रेशन जिसको हम केसी कहते हैं फॉर द फॉलोइंग बैलिंग बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन। 3 रिएक्शन आपको दिए हुए हैं, आपको इसका केसी निकालना है। अब केसी निकालते क्या है और होता क्या है, केसी केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, और ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है। टेम्परेचर का चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन या केसी जो है वो चेंज हो जाता है। केसी एक्चुअली है क्या, ये रेशियो है बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है जो हमारे पास फाइनल मिलेगा, और रिएक्टेंट क्या है, वो इनिशियल कंपोनेंट है जो कि रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो केसी क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। पहली जो हमारी इक्वेशन है वो N2 और O2 भी मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। N2 और O2 जो है वो हमारा रिएक्टेंट है, और N नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं और स्ट्रेट ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। स्ट्रेट ब्रैकेट और प्रोडक्ट, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है इतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें ब्रैकेट बनानी पड़ेगी। और ये जो इसके मोल रेशियो दिया हुआ है, मोल रेशियो को हम लिखते हैं एज अ कोफिशियंट या एक्सपोनेंट की सूरत में। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्रोडक्ट के अंदर 2N2O है, तो हम N नाइट्रोजन मोनोक्स डाइऑक्साइड अंदर लिखेंगे, और ये जो मोल रेशियो का 2 है वो हम एज अ एक्सपोनेंट लिखेंगे। इसी तरह रिएक्टेंट की बात है, 2 कॉम्पोनेंट है रिएक्टेंट में, तो एक नाइट्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन गैस मोल रेशियो 1 है और ऑक्सीजन गैस मोल रेशियो 2 है, तो मोल रेशियो 2 जो मोल है उसको हम एज अ एक्सपोनेंट या हम एज अ पावर यहाँ पे शो कर सकते हैं, कोफिशियंट शो कर सकते हैं। तो ये हमारा केसी आ गया पहले इक्वेशन का, N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
इसको एक्सपोनेंट टू लिखेंगे, और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में क्या लिखें, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा है दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में हमारे है हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, और ये जो प्रोडक्ट बनाती है दो मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाते हैं। केसी के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये 2 मोल बनाए तो 2 मोल को हम एज अ कोफिशियंट मेंशन करेंगे या एक्सपोनेंट मेंशन करेंगे। रिएक्टेंट में हम, और रिएक्टेंट में हमारे पास 2 कॉम्पोनेंट है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, और दोनों जो है 1 1 मोल रेशियो में है, तो हम इस पर कोई किसी तरह का भी एक्सपोनेंट नहीं लगाएंगे, और दोनों को अलग अलग प्लस का साइन, इट मींस दो अलग अलग है तो दोनों का अलग अलग स्ट्रेट ब्रैकेट में लिख देंगे। तो Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड, कोफिशिएंट इसका 2 होगा, अपॉन हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, ठीक है। अब तीसरी जो हमारी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों मिलते हैं और हमें प्रोडक्ट में मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर क्या है, ये प्रोडक्ट है। Kc क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम ऊपर Kc लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे, और दूसरा कंपोनेंट वाटर है इसको भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और दोनों के साथ मोल रेशियो कोई भी नहीं मेंशन नहीं है, तो मोल रेशियो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम रिएक्टेंट के साइड पे देखें तो रिएक्टेंट में हमें पता है मोल रेशियो नजर नहीं आ रहे, 2 कॉम्पोनेंट है, कार्बन मोनो डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस, तो इसको भी हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस चूंकि दोनों अलग अलग कॉम्पोनेंट है तो हम अलग अलग स्टेट ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस तरह हम किसी भी इक्वेशन का Kc लिख देते हैं। Kc का मतलब क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एच प्लस इज 1:10^-3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, हमें कंसेंट्रेशन गिवन है हाइड्रोजन आयन की और हमें पीएच पूछा जा रहा है। पीएच एक्चुअली जो है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को कहते हैं, और ये नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस साइन होता है। पीएच क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस साइन, यानी एच प्लस साइन की कंसेंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितनी है वो हम चेक करते हैं। एक्चुअली टोटल जो है पीएच की वैल्यू जो होती है 14 होती है, जिसमें से पीएच जो है वो 7 होता है और पीओएच भी 7 होता है। तो पीएच एक्चुअली क्या है, पीएच की वैल्यू एक्चुअली क्या है, 14 है, 7 + 7, 7 कितनी है एच प्लस साइन की, और 7 कितनी होती है ओएच माइनस साइन के, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट पीएच आती है। अब यहाँ पे इन्होंने एच प्लस की दी है, ओएच माइनस आइन की नहीं दी है, तो एच प्लस के लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसकी कंसेंट्रेशन लिखेंगे, कंसेंट्रेशन एच प्लस आइन की कितनी है, 1:10^-8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। टोटल कितनी होती है, टोटल होती है 1:10^14, और हमें कितनी दी है, 1:10^-18। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपको पता है माइनस माइनस का साइन जो है हमारे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये प्लस ऊपर जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, बड़ा जो है माइनस है, फिर 14 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो पीएच की कंसेंट्रेशन टोटल कितनी आ गई, 1:10^-8, और आपको पता है 10^-8 को अगर हम चेक करें लॉग के अंदर तो उसकी वैल्यू 10 आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो इस कंसेंट्रेशन का पीएच कितना होगा, 6 होगा, ठीक। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इज इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर हम ड्रॉ कर लें तो हमें पता चल जाएगा, ये आपका कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, CH3CHO, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ये लगे हुए हैं, और दूसरे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है का एटम है और एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जाहिर है डबल बॉन्डिंग करेगा और हाइड्रोजन, तो ये CHO ग्रुप बना, और CHO ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। दूसरा हमें दिया है CH3CH2O, CH3 हमने ये लगा दिया, CH2 हमने ये लगा दिया, बाकी क्या रह गया OH, तो हमें ये नजर आ रहा है ये जो है इथाइल अल्कोहल है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तीसरा है हमारे CH3C3H7COOH, तो ये कंडेंस फॉर्मूला से हमें ऑलरेडी नजर आ रहा है COOH है, COOH कौन सा होता है, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है, और सी को हम निकाल लिए, पहले कार्बन के साथ 3 होंगे, फिर दूसरे कार्बन के साथ 2 होंगे, तीसरे कार्बन के साथ 2 होंगे, और आखिरी जो कार्बन है उसके साथ एक डबल बॉन्डिंग में ओ एच होगा और एक सिंगल बॉन्ड में ओ और उसके साथ एच होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड CHO ग्रुप, अल्कोहल ओ एच ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप, ठीक है।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, डिफाइन थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स विद टू एग्जाम्पल। हमें दो दो एग्जाम्पल बतानी है सॉल्ट की, तीनों टाइप की। पहले सॉल्ट हमें पता होना चाहिए, सॉल्ट क्या है। सॉल्ट है जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, यानी कैट आयन और एनायन मिलते हैं तो जो बॉन्डिंग बनती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। और ये आयनिक बॉन्डिंग के उसमें या एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, ये जो सॉल्ट है इसको हम कहते हैं अ सॉल्ट इज मेड अप ऑफ नेगेटिव आयन एनायन एन ऑफ एन एसिड एंड पॉजिटिव आयन कैटायन ऑफ एन ऑफ बेस। ठीक है, एग्जाम्पल कॉमन है NaCl, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल जल भी कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, दीज आर द सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट फर्दर तीन कैटेगरी में ये डिवाइड कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, बेसिक सॉल्ट हो सकता है या न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है। जो एसिडिक सॉल्ट होता है उसके अंदर हाइड्रोजन कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं होता, उसके अंदर हाइड्रोजन रह जाता है। ठीक है, और जो बेसिक सॉल्ट होता है उसके अंदर OH ग्रुप कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं होता है, क्या बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं होता है, वो रह जाता है। ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है इसकी वजह से बनता है। अब हम फर्दर एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट आर द क्लास ऑफ सॉल्ट दैट प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन आफ्टर बीइंग डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जब उसको किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टिंग रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा या रिजल्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम पीएच पेपर या पीएच मीटर पे चेक करें तो दे विल बी शोइंग द एसिडिक इन नेचर। पीएच पेपर पे करेंगे तो हमें पता है ब्लू से रेड हो जाएगा, और पीएच मीटर से करेंगे तो इसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से कम आएगी। ठीक है, और इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट दैट फॉर्म व्हेन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रलाइज। यानी एसिड जो है वीक है इसलिए कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता है, जो बेस है वो जो है स्ट्रॉन्ग है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है, और सॉल्ट जो होता है उसका पीएच कितना लेस देन 7 होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइसल्फेट, बाइसल्फेट बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, दीज आर द एसिडिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं, बेसिक सॉल्ट किसको कहेंगे, बेसिक सॉल्ट आर द क्लास ऑफ सॉल्ट दैट प्रोड्यूस अ एंड बेसिक सॉल्यूशन आफ्टर बीइंग डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बेसिक आएगा। अब कैसे पता चलेगा ये कैसे क्यों बनता है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट दैट इज फॉर्म व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस आर न्यूट्रलाइज। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं तो जो रिजल्ट में मिलता है वो बेसिक सॉल्ट होता है, और इसका पीएच कितना होता है, अबव 7, 7 से ज्यादा होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम एसिटेट है और पोटेशियम साइनाइड है, दीज आर द बेसिक सॉल्ट। अब न्यूट्रल की बात कर लेते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट हमारे कहाँ कौन से होते हैं, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे बनते हैं, इट्स बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड द न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, बिकॉज देयर एक्वस सॉल्यूशन आर न्यूट्रल टू लिटमस, और लिटमस पेपर को चेक करें या पीएच मीटर या पीएच पेपर पे चेक करो तो वो न्यूट्रल आता है। इसकी एग्जाम्पल सबसे अच्छी क्या है, ग्रुप 1A या ग्रुप 7A की जो आयनिक बॉन्डिंग बनती है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और ये सोडियम नाइट्रेट, डीज आर द न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इंडिकेट एनी थ्री वेरी कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज। आपकी बुक के अंदर वाटर बॉर्न डिजीज पूरी दी हुई है, हमने यहाँ पे चार देख ली है, आप इसमें से जो इजी लगे, मेरे हिसाब से ये इजी थी, इजी लगे आप उसको लिख लेगा। आपको जो है सिर्फ क्या करना है, कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज को इंडिकेट करना है क्यों होती है। ठीक है, और उसके क्या कुछ जनरल फीचर भी आप लिख सकते हैं, जैसे डायरिया है, डायरिया जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है, और ये क्या होता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए 5 वैसे कम होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह उनको अक्सर हो जाता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीनेस होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन पेल हो जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है अगर ज्यादा वाटर लूज हो जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए। ठीक है, दूसरा डिसेंट्री है, ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, डिसेंट्री इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन दैट कॉज डायरिया। ठीक है, ये भी डिसेंट्री कौन सी है, जो डायरिया की वजह से आमतौर पर होती है। ठीक है, डायरिया की वजह से आमतौर पे होती है, और इसके अंदर क्या होता है, ब्लड और म्यूकस जो है वो सिक्रीशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा इनके सिम्टम्स क्या है, पेन होता है, स्टमक क्रैम्स पड़ने लगते हैं और सिक फीलिंग होने लगती है। ठीक है, वॉमिटिंग फील हो सकती है और टेम्परेचर हाई हो सकता है।
फिथर्ड पे हमने टाइफाइड लिया है। टाइफाइड फीवर जो है वो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है, और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की फॉर्म होती है जिसको हम बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइप भी कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, साल्मोनेला टाइप ए और बी हो सकती है। इट इज यूजली स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड और कॉन्टेमिनेटेड कुक्ड विद पॉल्यूटेड वाटर। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें अगर खाना पकाया जाए या वो अच्छे साफ पानी में मिक्स हो जाए तो आमतौर पर साल्मोनेला या टाइफाइड फीवर का बाइस बनता है। तो ये टाइफाइड जो है वो इससे बचने के लिए हमें साफ साफ सुथरे पानी को इस्तेमाल करना चाहिए और पॉल्यूटेड वाटर से बचना चाहिए। अच्छा, हेपेटाइटिस ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पर। ये इसकी ये एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है, लीवर को पे अटैक करता है। पांच तरह के आमतौर पर हेपेटाइटिस के वायरस है जो कि ए बी सी डी और ई है, जिसमें सबसे ज्यादा ए और ई जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर की वजह से स्प्रेड होता है। ठीक है, ये कुछ पांच सिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।